मुझे मैं चोर नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। नीचे खड़े रहो, कमल निकालो। Myself नटवरलाल उंडाई वाला। सेठ जी, पहले वाले नटू काका मेरे सपने में आए और कहा कि सेठ जी को तेरी जरूरत है, और उन्होंने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया। हुक्म? मैंने तुम्हें चोरी करते हुए सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ा है, और इसकी गवाही खुद जेठालाल देगा। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो चालू जी। पांडे जी, मुझे लगता है कुछ तो गलत फहमी हुई है, एक बार सुन लीजिए ना हम क्या कह रहे हैं। प्लीज। हाँ कहो। पांडे जी, अम्बे माँ की कसम, हमारे हाटकेश्वर महादेव की कसम, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। नटू काका ने मुझे सपने में हुक्म दिया था यहाँ आने के लिए। आधी रात को दुकान में आने का हुक्म दिया था? सच बताओ, इतनी रात को दुकान में क्यों आए थे? बताता हूँ। सुनिए, रात को जब मैं घर पहुंचा तो बागा डाकोर जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ जीवला सुन, मैं तुझे 15 मिनट में बाहर नाके पे मिलता हूँ, ठीक है? और सुन, वो मैंने सुबह के लिए मस्त नाश्ता भी ले लिया है। हाँ हाँ मस्त, ठीक है ठीक है, बाय। अरे बागा बॉय, बागा बॉय। नटू काका, मेरे नटू काका है, नटू काका। ये आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। बाबा, अरे मुझे उंडाई वाले नटू काका ने यहाँ भेजा है। वो मेरे सपने में आए और मुझे यहाँ आने को कहा, और मैं यहाँ आ गया। नटू काका, वाह नटू काका, आपको देख के वाकई मजा आ गया। लेकिन नटू काका, आप आने वाले थे तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन आपको लेने आ जाता। अरे बागा बॉय, तेरे ये नटू काका में अभी भी बहुत जान है। अरे स्टेशन से आना कौन सी बड़ी बात है, इस उम्र में मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ। नटू काका, आपको देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। अरे बागा, तुझे भी बहुत टाइम के बाद देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अच्छा सुन बागा, सेठ जी कैसे है और अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास है नटू काका, और हमारी दुकान में मस्त रिनोवेशन हो गया है। अब हमारी दुकान एकदम नवी नक्कोर हो गई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन बागा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ नटू काका, मैं अपने दोस्तों के साथ डाकोर जा रहा हूँ, रणछोड़ राय जी के दर्शन करने। वाह बागा, खुशी खुशी जा। खुशी खुशी जा तो रहा हूँ नटू काका, लेकिन एक टेंशन है। टेंशन? क्या टेंशन है? वो दुकान में 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं। अरे दुकान में इतने पैसे क्यों रखे हैं? वो नटू काका, दरअसल हुआ यूं के मुझे जरा अभी बापूजी के साथ जरा बाहर जाना पड़ रहा है, तो पैसा क्या है कि मैं बागा के पास छोड़ के जाता हूँ, तो बागा से ले लेना। बागा आज मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे तो ये 5 लाख रुपए का मैं क्या करूँगा? पैसा सोटी के घर पे छोड़ दे, मैं रात को उसके घर से ले लूंगा।
बात हुई छोटी से, लेकिन वो तो अभी नासिक में है। मैं इस आम की पेटी को अपनी दुकान में जो इतने सारे फ्रिज है उसमें से किसी एक फ्रिज में रख देता हूँ, लॉक करके चाबी मंदिर में रख देता हूँ, और जिस फ्रिज में मैंने इस आम की पेटी को रखा है उसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ। बागा, सेठ जी हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और सेठ जी हमारे लिए हमारे सब कुछ है। सेठ जी उनकी दुकान और लाखों का व्यापार हमारे भरोसे छोड़ते हैं, और तू पैसे छोड़कर डाकोर जा रहा है। उसे सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे नटू काका, मैंने वो सारे पैसे एक फ्रिज में छुपा के रख दिए हैं, और फ्रिज को लॉक कर दिया है, और चाबी मंदिर के नीचे एक ड्रॉहर है वहाँ संभाल के रख दी है। और फ्रिज में से भी चोरी हो गए तो? भागा, सेठ जी का फायदा हमारा फायदा, और सेठ जी का नुकसान हमारा नुकसान। आपकी बात बराबर है नटू काका, लेकिन अब मैं क्या करूं? भागा, व्हेन नटू काका इज हियर व्हाई यू हैव फियर? भागा, तू तारे डाकोर जा, मैं दुकान जाता हूँ और पैसे संभालता हूँ। थैंक यू नटू काका, थैंक यू, आप एकदम सही वक्त पे आए हैं। मैं सही वक्त पर नहीं आया हूँ, मुझे नट्टू काका ने सही वक्त पर भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं फौरन चला आया। तू शांति से रणछोड़ राय के दर्शन करके आ, और मेरी तरफ से भी दर्शन करके आना। हाँ नट्टू काका, मैं अभी दुकान जाता हूँ, और आज मैं दुकान में ही सो जाऊंगा। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच, और मैं पैसे संभालने के लिए दुकान पे आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाकर तुम्हें बाहर निकलने की आवाज दी, 1 से 10 तक की गिनती की, बाहर क्यों नहीं निकले? आपने 10 तक ही गिना ना, 11 पे मैं खोल देता। 11 सुबंग होता है ना। मजाक कर रहे हैं? मुझे लगा चोर पुलिस बन के मुझे उल्लू बना रहा है, दुकान के अंदर घुसने का बाना बना रहा है। ओह नटू काका, आपको लग रहा था कि बाहर चोर है और हमें लग रहा था कि अंदर चोर है। लेकिन क्या बात है नटू काका, जेठालाल तुम वाकई में बहुत लकी हो, तुम्हें नटू काका जैसी उम्दा सोच रखने वाले नटू काका फिर से मिल गए। आपके लिए तालियां तो बनती है। चलो जी पांडे जी, अभी क्या? नहीं मतलब चोरी तो हुई नहीं है तो। चोरी तो हुई ही नहीं है, लेकिन गोकुल धाम की हिस्ट्री रही है, जब भी गोकुल धाम में कोई केस होता है या तो लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या केस होता ही नहीं जैसे अब हुआ है। हर बार मेरे भाग्य में खाली हाथ लौटना ही लिखा होता है। सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी। अरे सॉरी का मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप पर भरोसा रखते मैंने अपने सीनियर को फोन किया और हुशियारी मारी। मैंने उनको कहा कि मैंने रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया, उनको पता चलेगा कि पांडे का तो पोपट हो गया। पांडे जी क्या है? हाँ क्या है? कुछ नहीं पांडे जी, अभी जाने दीजिए ना, देखिए इसमें ना हमारी गलती थी ना आपकी गलती थी, ये भाग्य का खेल ही समझो इसको। लेकिन भाग्य के खेल में मेरे साथ खेला हो गया ना। चलो इंस्पेक्टर साहब। क्या है वो आम की पेटी? अरे दे देंगे। ए पाटिल दो पेटी। सेठ जी ये लो आपकी अमानत। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन नट्टू काका अभी आप घर कैसे जाएंगे? सेठ जी आज रात को मैं दुकान में ही सोऊंगा, कल खिड़की रिपेयर करा के बाद में घर जाऊंगा। मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू।
पुलिस के रहते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट पूरा राउंड अप पे रहता है। चलो एक मिनट साहब। अब तेरा क्या है? कंबल। ओ कंबल दे दो। अरे मुझे नहीं उसको दो। चल चलो एक मिनट। अब क्या है? सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं वो मैंने सेठ जी को फोन करके बोला ना, इसकी वजह से ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं जग्गू, अरे उसमें सॉरी क्या भाई, अरे तेरा आशय तो नेकी था ना, तुझे थोड़ी पता था कि अंदर चोर नहीं और नटू काका है, बराबर ना चालू पांडे जी? बिना मतलब का ये लोग के साथ में कुछ सॉरी होता ही नहीं, क्या पता नहीं क्या। अरे क्या क्या क्या, मैं वाघमारी को क्या बोलूंगा? आज के बाद गोकुलधाम वालों का केस लेना ही नहीं है। गोकुलधाम वालों से कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं। लेकिन सर। हाँ हाँ मालूम है तुम क्या कहोगे। क्या? ये गोकुलधाम वाले पब्लिक और हम पुलिस, जब भी पब्लिक को जरूरत होगी पुलिस को तो आना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन क्लॉज बनाने वाले को ये पता नहीं होगा ना कि पब्लिक में गोकुलधाम वाली पब्लिक भी होगी। कमान भाऊ पांडे जी कट्टी करके मत जाइए, बट्टी कर दीजिए। चलो नटू काका अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ सेठ जी, और बापू जी को मेरी याद देना और कहना कि ये नट्टू काका वो नट्टू काका के जैसे पूरी दुकान संभाल लेंगे। जरूर जरूर कहूंगा बापूजी, बहुत खुश होंगे। हाँ वो तो है। चलो नट्टू काका निकलते हैं हम लोग। चलो सेठ जी। ओके जग्गू। हाँ चल एक मिनट, पोपट जरा पकड़। हाँ चल चल चलो। अरे क्या हुआ नटू काका? सेठ जी शटर ऊपर चला गया। ओहो हाँ। अरे देख क्या रहो पोपटलाल यार, मदद करो। हाँ किसे पकड़िए? अरे ये क्या कर रहे हो, छाते से वो खींच लो ना शटर। अरे हाँ हाँ एक मिनट मने मजे लगना सर। हाँ बस 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 ओके नटू काका गुड नाइट। बाय बाय सेठ जी। गुड नाइट गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। ले चल तेजे वो दे, वो जो बॉक्स है थोड़ा ऊपर देना ना। ये अच्छा। अरे ले बोलो, आ तो कोसड़ा में से बिलाड़ू निकलू। हाँ बापूजी। बिलाड़ू यानी दो लड्डू? दो लड्डू किसमें से निकले? अरे बेलाड़ू नहीं, अरे हाथीड़ा बिलाड़ू, कोसड़ा में से बिलाड़ू निकलू। बिलाड़ू मतलब? मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ ओ अच्छा अच्छा, यानी चूहे को गुजराती में बिलाड़ू कहते हैं। नहीं नहीं गुजराती में चूहे को तो उंदाड़ा बोलते हैं। तो फिर ये बिलाड़ू क्या है? बिलाड़ू मतलब बिल्ली, जेंट्स जेंट्स बिल्ली। हा? अरे हाथी भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा की ये गुजराती समानार्थी कहावत है, कोथड़ा माती बिलाड़ू निकलू। अच्छा अच्छा। एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठिया, नटू ने जिस नटू को भेजा उस नटू ने नटू की जिम्मेदारी आधी रात को भी बराबर संभाल ली।
बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे आज ही हम नटू काका को याद कर रहे थे और नटू ने इस नटू को भेज दिया। भेज दिया। जेठालाल इसे कहते हैं टेलीपैथी। किसका पति? अरे पति नहीं, पति टेलीपैथी। जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, उस तक हमारी भावना बिना बताए पहुंच जाए, या जिसको सच्चे मन से याद करो और वो सामने आ जाए, इसको कहते हैं टेलीपैथी। सही बात है, समझे? तुम्हारे और नट्टू काका के बीच में टेलीपैथी हुई और नट्टू काका ने इस नट्टू काका को भेज दिया। देखा जेठिया, नट्टू तेरा कितना ख्याल रखता है। वो तो है बापूजी, नट्टू काका तो नट्टू काका है। चलो बेटा, हम लोग निकलते हैं। चलो 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 भाई। बेड़े थैंक यू। हाँ भाई, आधी रात को तो सखाराम लेके मदद करने आ गया भाई। थैंक यू कहते हैं। नहीं नहीं, फिर भी आती भाई, आपको भी थैंक यू, आप भी आधी रात को आ गए और बापूजी का ख्याल रखा। अरे नहीं जेठा भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलो वो बेटा। अरे एक मिनट बेटा, जेठालाल मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? तुम्हें क्यों थैंक यू बोलेगा जेठालाल, उसे तुमको थोड़ी बोला जाता, तुम तो खुद से आए थे। अरे तो गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है भाई, किसी को तकलीफ हो हमें बुलाए तो ही उसकी मदद के लिए जाना, ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू बोलून टाक बाबा। अरे बोलून टाक मुझे का है? नहीं नहीं, थैंक यू पोपटलाल, तुम्हें भी थैंक यू भाई। तुम भी थके हारे काम से आए, फिर भी मेरी मदद करने हमारे साथ आ गए। हाँ, वो भी एसिडिटी होने के बावजूद। अरे पोपटलाल, तुम्हें एसिडिटी हो गई है, दवाई दूँ? नहीं नहीं आती भाई, अभी ठीक है। अच्छा अभी ठीक है ना? थैंक यू। हाँ थैंक यू पोपटलाल। अरे इसमें थैंक यू क्या भाई, ये तो हमारा फर्ज है। कमाल है, जब थैंक यू चाहिए नहीं तो बुलवाया क्यों? चलना बताता हूँ। वो आती भाई, आपको भी थैंक यू बोल दिया ना, चलिए। चलो 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 चल जेठिया, मैं भी सोने जाता हूँ। जी बाबूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चल इसको संभाल के रख देना। हाँ नहीं नहीं भाई, रख दूंगा। चलो थैंक यू। ओके आती भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नट्टू काका, आपने इस नट्टू काका को भेज दिया, अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से पहले की तरह भरिया भरिया हो जाएगा। थैंक यू। बड़ी पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। गुजराती में कहावत है, घी ना ठाम्मा घी ढोलायो। आपकी भाषा में भी, दुनिया की हर भाषा में कोई ना कोई कहावत ऐसी जरूर होगी जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती हो। आप भी अपनी मातृभाषा में सोचिए, ऐसी कौन सी कहावत है जो बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट है। खैर साहब, कहावत तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हर कहावत में एक भाव बड़ा कॉमन होता है, समान होता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में भले अंत से पहले ये जो परेड होती है ना गोकुल धाम वासियों की, ये बड़ी कमाल की होती है। रोलर कोस्टर पे बैठे बिल्कुल व्यक्ति की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं, यानी कि भले अंत की मिठाई खाने से पहले जो मुसीबत की मिर्ची खानी पड़ती है गोकुल धाम निवासियों को, वो आपका मनोरंजन करती है। और इसीलिए तो है भाई कि आपका मनोरंजन हो, तो यहाँ पे हंसी के नए हंगामे और हंसी की नई कथा क्या होगी, कितने ठहाके आपके घरों में होंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.